तो रिवाइव जरूर मिल जाएगा। आंटी के स्नैक्स के पास यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है। टेड के लिए थोड़ी सी मुश्किल उनकी बगी की हो चुकी है, क्योंकि उनकी बगी का अगर आप टायर को देखें वो बर्स्ट आउट हो चुका है। मुश्किलें रहेगी। टेड गोज डाउन। स्लेयर इज स्लेइंग 6 किल्स इन दिस पर्सनस नेम विद द टीम राइजन। पीछे से मुश्किलें कर रहे थे, सिनर्जी के स्ट्राइड को एलिमिनेट किया। तीन टीमें बचती है, RRQ वर्सेस PTR वर्सेस IND। लुक एट दिस एरिया, यहाँ पर जो टीम्स है ये सारी टीम्स, इनमें से कोई एक निकलेगी आज के दिन का आखिरी गेम अपने नाम करने के लिए। क्रेटोस ऑलरेडी तैयार है, द गॉड ऑफ वॉर इज रेडी टू गेट दैट किल फॉर हिमसेल्फ। ट्रांस भी यहाँ पर तैयार है, 4 किल्स इनके पास, 13 किल्स इस टीम के पास। PR11 को स्पॉट किया था बट एज सच शॉट अभी नहीं लिए। जी हाँ बिल्कुल, टीम आईएनडी बहुत ही अच्छा डुओ स्प्लिट में जाती हुई। PTR के स्क्वाड को यहाँ पे अंदर आना पड़ेगा बट RRQ की स्क्वाड ऑलरेडी उनके लिए इंतजार कर रही है। G9 यहाँ पे स्पॉट आउट करने की कोशिश कर रहे ट्रांस को, बट ट्रांस बिल्कुल भी अपना बॉडी रिवील नहीं कर रहे। BTR के प्लेयर्स अभी भी बाकी का इस्तेमाल करते हुए जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पे टीम आईएनडी के प्लेयर्स भी प्रेशर दबाव बना रहे हैं। अर्नी ने यहाँ पे राइजन को नॉक कर लिया, एक लास्ट प्लेयर बचे लक्सी। क्या यहाँ पे राइजन को वो पिक ऑफ कर पाएगा, क्या यहाँ पे उनको रिवाइव दे पाएगा, ये एक बहुत ही संगीन मामला हो चुका है। लक्सी राइजन एक तरफ, लेकिन RRQ और आईएनडी अपनी एक फाइट ले रहे। ग्रेनेड गया था वहां पर, D2 को डैमेज जरूर दिया। 35 का ट्रांस एक और ग्रेनेड करना चाहते हैं, सेकंड टाइम यहाँ पर एक और बेहतरीन जंप ग्रेनेड करने की कोशिश। डैमेज जरूर नहीं दे पाए इस बार वाला, लेकिन ट्रांसफर स्पॉट जरूर कर लिया। एक प्लेयर को PR11 वापस स्पॉटेड है। सर्कल अगला, अगर RRQ की डायरेक्शन में जाता है आईएनडी को मूवमेंट देनी ही पड़ेगी। सर्कल अगर आईएनडी के पास रहता है एक चिकन डिनर की कंफर्मेशन मिल सकती है। लुक एट अर्नी, अर्नी काफी करीब है यहां पर, लक्सी को टेक डाउन कर सकते हैं। राइजन इज स्टिल डाउन, D2 भी मूवमेंट कर रहा है। जंपिंग एंड मूविंग, जंपिंग एंड मूविंग। RRQ के लिए ये गेम अपने पास हो सकता है। PTR का एलिमिनेशन, RRQ वर्सेस आईएनडी, फाइनल सर्कल। सर्कल आईएनडी के पास है, फिर से स्नैक्स आप देख सकते हैं सर्कल के अंदर है। दिस इज final fight for the first day, final game. Snacks आगे आ चुके हैं, he is hungry for that snacks of chicken dinner. देखते किस तरीके से निकालते हैं, because IND के पास ये game होनी चाहिए कुछ भी करके। RRQ player circle के भी बाहर है, मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाएंगी, but एक हल्का सा रेज इन दोनों टीम्स को सेपरेट करता है इस फाइट के लिए। जी हाँ बिल्कुल, IND के स्नैक्स का रोटेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट है, और IND के स्नैक्स यहाँ पे कोशिश जरूर करेंगे कि RRQ के अगर एक भी प्लेयर को पिक ऑफ करते, क्योंकि किसी भी क्षण यहाँ पे RRQ को मूवमेंट लेना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं ट्रांस ने भी एक बहुत ही बेहतरीन एंगल बना रखा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से पुश इन करते हैं तो ट्रांस को अच्छा खासा ओपनिंग मिल जाएगा। अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट हो चुकी है टीम IND, क्या इस गेम में चिकन डिनर रच पाएगी, क्या यहाँ पे ले पाएंगी टीम IND चिकन डिनर। स्लेयर यहाँ पे प्रोन डाउन है, देखना पड़ेगा फर्स्ट कौन सी वो टीम होती है जो ये फाइट ब्रेक करती है। 25 मिनट पहले इस एरिया पर एक स्टोरी लिखी जानी थी, वो स्टोरी IND के नाम हो सकती है। RRQ के प्लेयर्स भी तैयार है, आप देखिए उन्होंने अपने हेलमेट वेस्ट सब पहन रखे, लेकिन अपने जो स्कोप्स वगैरह होते सारी चीजें हटा दी अपने ऊपर से। RRQ प्लेयर्स धीरे धीरे आगे की तरफ को जा रहे हैं। ट्रांस लेफ्ट हैंड साइड पर आ चुके, 3-1 का स्प्लिट IND के खाते में जा सकता है। क्रेटोस के ग्रेनेड जा जरूर रहे हैं, बट विल दिस गोना बी बैंगिंग आउट देयर। PR11 से थोड़ा सा पीछे रह चुका है ये ग्रेनेड। 4 vs 4 की आखिरी लड़ाई यहां पर रहेगी, थोड़ी सी स्लो फाइट है बिकॉज एक बैंगिंग एंड जरूर देना चाहेंगे। क्रेटोस अभी के लिए पेन किलर्स खा रहे हैं बिकॉज आगे उनको फाइट लेनी पड़ेगी। फुल बूस्टेड IND के प्लेयर्स, बट आर दे बूस्टेड फॉर दैट विक्ट्री, हमें देखना पड़ेगा। ट्रांस एक बग्गी में बैठ चुका है, कैसे एक रोटेशन मारना चाहते हैं वो, लेकिन 7वां जोन धीरे धीरे आ रहा है। 7वां जोन आने का यही मतलब है कि RRQ के प्लेयर्स को सर्कल में, RRQ के प्लेयर्स अभी भी सर्कल में नहीं है। दे आर एट द एज ऑफ द सर्कल, ऑलमोस्ट सर्कल में पहुंचे हैं G9 अभी के लिए। अब ग्रेनेड्स उनको छू सकते हैं। G9 के राइट हैंड साइड पर एक ग्रेनेड था, 25 का डैमेज वहां पर G9 को हुआ जरूर है, बट अब G9 की बारी रहेगी। दोनों साइड से स्लैम डंक्स यहां पर जाते हैं। स्नैक्स से थोड़ा सा पीछे ग्रेनेड रह गया, स्लेयर और स्नैक्स तैयार है फाइट लेने के लिए। क्रेटोस एक एरिया पर, ट्रांस एक एरिया पर, बट जिसने पहले स्पॉट किया, जिस टीम का 4v4 4v3 में कन्वर्ट होगा वो टीम एक नुकसान में हो सकती है। RRQ, लुक एट दोस पीपल, दे आर द बिग डैड्स ऑफ दिस गेम। PMSC से शुरुआत करी थी IND, दुनिया की सबसे कंसिस्टेंट टीम। इनके पास बहुत सारे इंटरनेशनल एक तरीके से एक्सपोजर रह चुका है, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर वर्ल्ड में किसी टीम के पास है वो IND के पास है, और IND तैयार है अगेंस्ट द OGs ऑफ दिस गेम, RRQ। जी हाँ, और अभी भी यहाँ पे एक खामोशी सी बनी हुई है, और किसी भी क्षण फाइट भी चल सकती है, बट टीम IND के प्लेयर्स को धीरे धीरे RRQ जकड़ रही है। क्या ये RRQ के फेवर में जाएगा, क्या यहाँ पे IND पहला नॉक निकाल पाएगी, क्योंकि एक गाड़ी यहाँ पे पड़ी और उसके तरफ अगर एक ग्रेनेड भी जाता है तो 3 प्लेयर टीम IND के नॉक हो सकते हैं। PR11 अभी अपना पोजिशन रिवील कर चुके हैं, शॉट्स यहाँ पे ली जा चुकी है। ग्रेनेड आता हुआ टीम IND के प्लेयर्स के द्वारा, क्रेटोस यहाँ पे स्मोक डाल रहे हैं, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नी अभी भी शांत बैठे, PR11 भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे, D2E भी आगे बढ़ रहे, G9 अभी भी स्थित है एक ही जगह पे। बहुत ही संगीन मामला हो चुका है। आंटी के स्नैक्स धीरे धीरे यहाँ पे बाई की तरफ जा रहे। ट्रांस ने अपना बॉडी जरूर रिवील किया, G9 को स्पॉट आउट किया, शॉट भी लिया यहाँ पे, उनको पिक्सल जरूर दिखा था। क्या यहाँ पे ट्रांस उनको फिनिश ऑफ कर पाएगा, क्या यहाँ पे एक पिक ऑफ फर्स्ट वन टीम IND ले पाएगी, और इसी के साथ हो चुका है शुरू। स्लेयर ने फर्स्ट किल ले लिया है, अर्नी को पिक
को ऑफ करते हुए और इनको फिनिश ऑफ करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। क्रैथोस यहाँ पे राइट हैंड साइड से मूवमेंट देते हुए स्नैक्स को यहाँ पे डी टू इन्हें पिक ऑफ कर दिया। टीम आईएनडी के ट्रॉल्स इंस्टेंटली बगी के साथ जाते हुए अपनी टीम को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, बट जी नाइन काफी करीब आ चुके हैं। एक ग्रेनेड आता हुआ ट्रॉल्स को नॉक कर सकता है और जी नाइन ने यहाँ पे प्रोन होकर इंस्टेंटली ट्रॉल्स को भी पिक ऑफ कर दिया। क्रैथोस यहाँ पे अपने दोनों टीम मेट्स के पास आ चुके हैं, बट यहाँ पे आ रहा क्योंकि जी नाइन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ एक और प्लेयर को पिक ऑफ कर दिया और इसी के साथ स्लेयर को भी पिक ऑफ करके टीम आरआरक्यू ले लेगी चिकन डिनर। दिस इज व्हाट वी आर कॉलिंग अबाउट द ओजी गॉड्स ऑफ पबजी, वो आरआरक्यू रहती है। शे आई एम द वन टू गेट इट ब्रो, आई स्वेयर टू गॉड आई विल गेट इट ब्रो, हे आई आइंट नेवर गिविंग अप, शे आई नेवर गिव अप, आई गॉट दिस मैन आई गॉट इट, आई विल रॉक व्हेन आई एम ऑन इट, नेवर ड्रॉप इट, गॉट द ब्लॉक विद अ टॉक्सिक स्पिटिंग लॉजिक मेक अ नॉशियस।